नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्न स्पाइरल के बारे में। तो कॉर्न स्पाइरल को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो में यह समझ के चलूंगा कि आप लोगों को फ्रेनेल सपियर जोन का कॉन्सेप्ट है और उसके बेसिस में यह पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फ्रेनेल सपियर जोन का कॉन्सेप्ट मस्ट है इस वीडियो के लिए। अगर आपको नहीं पता फ्रेनेल सपियर जोन क्या है, तो ये बहुत ही आसान सी चीज है, आप अपने किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा या फिर आप YouTube में किसी वीडियो में वीडियो से सीख सकते हैं। तो चलिए हम कॉर्न स्पाइरल स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्न स्पाइरल स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि ये कॉर्न स्पाइरल हम समझेंगे एक सिलिंड्रिकल वेब फ्रंट की मदद से। ये देखिए, ये है हमारा सिलिंड्रिकल वेब फ्रंट और हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। मतलब आपका जो सिलिंड्रिकल वेब फ्रंट ऐसे जा रहा है, सपोज जो आपका सिलिंड्रिकल वेब फ्रंट था, सपोज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो फिर उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, मतलब हम साइड से देख रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, इस सिलिंड्रिकल वेब फ्रंट को फ्रेनेल हपियर जोन में डिवाइड किया विथ रेस्पेक्ट टू पी। तो कैसा है ये, ए बी बी सी सी डी, ए के ऊपर वाले पॉइंट्स को हमने ए बी बी सी सी डी और भी एटसेट्रा हपियर जोन में डिवाइड किया, और नीचे वाले पॉइंट्स को और नीचे के हिस्से को ए बी वन बी बी प्राइम सी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, ऐसे हपियर जोन्स में डिवाइड किया। और अब हम क्या करेंगे, हर एक हपियर जोन्स को हमने एट स्ट्राइप्स में डिवाइड किया। मतलब ये तो आप समझ ही सकते हैं, सपोज ये हमारा जो ये पेन जो है हमारा सिलिंड्रिकल वेब फ्रंट है और हमने इसके ऊपर हपियर जोन्स ड्रॉ किए हैं, ये पेन अच्छा रहेगा समझाने के लिए। ये जो सपोज ये स्ट्राइप्स हमारे हपियर जोन्स है, और हमने क्या किया, हर स्ट्राइप को और मतलब ये सपोज इस पेन का जो हर स्ट्राइप है ये एक एक हपियर जोन है। तो हमने क्या किया, हर हपियर जोन को मतलब ये जो स्ट्राइप है इसको और भी एट स्ट्राइप्स में डिवाइड किया। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका जो पहला हपियर जोन है हमने बस उसी को दिखाया, पहला हपियर जोन है ए बी, तो हमने ए बी को एट स्ट्राइप्स में डिवाइड किया। तो आप समझ ही सकते, तो आप एट स्ट्राइप्स में ही क्यों, मैंने ये ऐसे ही लिया, आप चाहे तो छह ले सकते थे, सात ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने एट लिया है इधर। तो आप समझ ही सकते हैं, जब हम पहले वाले स्ट्राइप से, ये हमारा पहला वाला स्ट्राइप, हम जब पहले वाले स्ट्राइप से आठवें स्ट्राइप पे जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, तो ये देखिए एट नंबर जो स्ट्राइप है वो बीसी जो हपियर जोन है उसके बहुत करीब है, और जो पहला वाला स्ट्राइप है वो ए बी का स्टार्ट है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पहले वाले स्ट्राइप में और आखिरी वाले स्ट्राइप में जो पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा बाई टू। देखिए मैंने इधर लिखा है, जो पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा बाई टू, मतलब फेज डिफरेंस है पाई का। तो अब अगर आप पी पॉइंट में इस पूरे हपियर जोन के लिए, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, पहले हम अपर पोर्शन के लिए इस वेब फ्रंट का अगर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये आप देखिए। तो क्या हम देख रहे हैं, जब पहले वाले हपियर जोन से आखिरी वाले हपियर जोन पे हम जा रहे थे तब पाई फेस डिफरेंस हो रहा था, तो फिर तो ए बी पार्ट के लिए पी पॉइंट में जब हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो पहले हपियर जोन के लिए जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा वो जिस डिरेक्शन में होगा, आखिरी हपियर जोन के लिए जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और एक बात, हर हपियर जोन के लिए जो इंटेंसिटी होगा वो पी पॉइंट में इंटेंसिटी करीब करीब सेम ही होगा, ठीक है। तो अब हम अगर इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर हमें जिस स्पाइरल का या फिर जिस ग्राफ का यूज करना होता है वो है कॉर्न स्पाइरल। तो चलिए हम एक अच्छा सा पिक्चर देखते हैं कॉर्न स्पाइरल का, ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने ए से लेकर बी तक ये जो पहला हाफ पीरियड जोन था इसको एट स्ट्राइप्स में डिवाइड किया था, और हमने ये सोच लिया कि पहले वाले हाफ पीरियड जोन के लिए जो इंटेंसिटी है वो है कैपिटल ए कॉमा ए, पहले वाले स्ट्राइप के लिए जो इंटेंसिटी है वो है कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे वाले के लिए जो इंटेंसिटी है वो है स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे ही आखिरी वाले के लिए क्या होगा, आखिरी वाले के लिए हमने लिया जी टाइम्स पी। और हमने क्या बोला, जब हम पहले वाले से आखिरी वाले में मूव कर रहे हैं तब पाई फेज डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब
पहले वाले स्ट्राइप के लिए बी पॉइंट में जो इंटेंसिटी होगा, आखिरी वाले पॉइंट के लिए, आखिरी वाले स्ट्राइप के लिए पी पॉइंट में इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी वेक्टर का पहले वाले के लिए इंटेंसिटी जो वेक्टर है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ये आप देख सकते हैं। तो फिर ये देखिए, पहले वाले के लिए हमने इंटेंसिटी वेक्टर ड्रॉ किया है पी पॉइंट में, वो है कैपिटल ए ए। अब दूसरे वाले के लिए सिमिलरली, क्योंकि जो है हम जब ए से लेकर बी तक मूव कर रहे हैं, फेज इंक्रीज हो रहा है, जो एडजेसेंट हाफ पीरियड एडजेसेंट जो स्ट्राइप्स है उनमें फेज इंक्रीज हो रहा है, तो फिर इसमें ये ए कैपिटल ए स्मॉल ए में और ए बी में एक फेज डिफरेंस होगा। ऐसे ही स्मॉल ए स्मॉल बी एंड बी सी, इसमें इसके अंदर भी एक फेज डिफरेंस होगा ये वाला। ऐसे करते करते जब हम आखिरी वाले में पहुंचेंगे, मतलब जो है जी बी, उसमें आखिरी वाले स्ट्राइप में मतलब एट स्ट्राइप में जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा वो पहले वाले के लिए इंटेंसिटी जो वेक्टर है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मतलब पहले वाला का जो इंटेंसिटी वेक्टर है दूसरे वाले और आखिरी वाले का जो इंटेंसिटी वेक्टर है उनमें पाई फेज डिफरेंस होगा। तो इसीलिए ऐसे ये जो इंटेंसिटी वेक्टर से मूव करते रहेंगे और ऐसे करते करते आखिर बी तक आएंगे। तो फिर ये जो स्पाइरल हमको मिला, ये जो ग्राफ हमको मिला, इससे हम ये हमें बोलता है कि पहले हाफ पीरियड जोन मतलब ए बी के लिए पी पॉइंट में कितना, ए बी हाफ पीरियड जोन के लिए, ए बी हाफ पीरियड जोन के लिए पी पॉइंट में कितना इंटेंसिटी है। तो अगर ऐसे ही हम बी सी हाफ पीरियड जोन के लिए पी पॉइंट में कितना इंटेंसिटी होगा वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा, बस हमको ऐसे ही और इंटेंसिटी वेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे। तो वो ऐसे मूव करते रहेंगे, ऐसे मूव करते रहेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे घूमते घूमते एक वक्त ये पहले सपोज ये हमारा कुछ एस है, तो आखिरी वाले का हम समझते हैं कि ये कुछ एल एम है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो बीसी हाफ पीरियड जोन के आखिरी वाले स्ट्राइप के लिए क्या होगा, आखिरी वाला स्ट्राइप के लिए इंटेंसिटी और पहली वाली स्ट्राइप के लिए इंटेंसिटी वैसे ही बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इंटेंसिटी वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ऐसे ही अगर हम सारे हाफ पीरियड जोन्स को कंसीडर करेंगे तो फिर हमें एक ऐसा टाइप का स्पाइरल मिलेगा सिर्फ अपर हाफ पीरियड जोन के लिए। तो वैसे ही अगर हम लोअर हाफ पीरियड जोन्स के लिए भी हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें नीचे की तरफ भी एक ऐसा स्पाइरल मिलेगा। तो ये देखिए, हमने ये वाला जो स्पाइरल ड्रॉ किया है ये डिस्क्रीट है, मतलब क्या, इधर हमने फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्राइप्स लेकर काम किया है, मतलब हर हाफ पीरियड जोन को हमने फाइनाइट नंबर एट नंबर स्ट्राइप्स में डिवाइड किया है। अगर हम हर हाफ पीरियड जोन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्राइप्स में डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा ये जो कर्व है ये ऐसा एक स्मूथ कर्व हो जाएगा, ठीक है। और उस स्मूथ कर्व का इंटेंसिटी क्या होगा आपको पता है, अगर ये पॉइंट हमने लिया आई वन, इसका जो सेंटर है, और इसका जो सेंटर होगा अगर आई टू, तो फिर अगर हम आई वन एंड आई टू को कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें आई वन आई टू मिलेगा, और ये होगा उस टोटल सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए पी पॉइंट में इंटेंसिटी। तो अगर आपको कोई बोलता है कि पहले हाफ पीरियड जोन के लिए पी पॉइंट में कितनी इंटेंसिटी है वो आप इस कॉर्न स्पाइरल से बोलो, तो आप क्या बोलेंगे, अब बस इस ए पॉइंट को और ये जो बी पॉइंट है आप इन दोनों पॉइंट्स को अटैच कर देंगे और आप बोलेंगे कि ए बी है पहले हाफ पीरियड जोन के लिए पी पॉइंट में इंटेंसिटी। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कि दूसरे वाले हाफ पीरियड जोन के लिए पी पॉइंट में इंटेंसिटी कितना होगा, तो आप बोलेंगे अब बी और एम को कनेक्ट करेंगे और बोलेंगे बी एम है दूसरे वाले हाफ पीरियड जोन के लिए पी पॉइंट में इंटेंसिटी। तो आपको ये बात समझ आ ही गया होगा, ठीक है। कॉर्न स्पाइरल का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।